ये जो है ना, ये समोसे बहुत ही बढ़िया, मतलब इंडियन खाने में समोसे का तो मजा ही आ जाता है। कभी भूख लग रही है, समोसे की बात कर रहा हूँ, मेरे मुंह में पानी आ गया, क्योंकि मेरे सामने भी, आप तो सिर्फ देख रहे हो, मेरे सच में सामने ये रहा, मैं उठा सकता हूँ, फील कर सकता हूँ, आप कर सकते हो। कई लोग अभी वीडियो देख रहे होंगे जिनके पास में समोसे होंगे, वो बोलेंगे हम कर सकते हैं। तो समोसे में यार बहुत मजा आता, जब भी घर पर समोसे आते एकदम स्मेल और चटनी से खाना क्या मजा है। अब ये समोसा, पहले जब मैं छोटा था तो 5 रुपए के 2 आते थे, आपके टाइम पे आप बताना जब आप छोटे थे क्या रेट था समोसे का, और इस टाइम पे जो हम लेके आए ना ये 10 रुपए का एक समोसा है। तो यहाँ पे देखो टोटल 4 और 2 6 समोसे 60 रुपए में 6 समोसे हमें मिल गए। और अब पता है हम कंपेयर किससे करने वाले, मार्केट में एक नई चीज आई है जो मैंने आज तक ट्राई नहीं करी, ये क्या है भाई, फ्रोजन समोसे। मतलब अब तक आपने देखा होगा कि फ्रोजन जो है आइसक्रीम वगैरह आती है, सारी चीज आती है, बट फ्रोजन खाना आजकल बहुत ज्यादा फेमस हो रहा है। तो मैंने कहा ट्राई करते हैं, दोनों को कंपेयर करेंगे कि ऐसे समोसे कैसे लगते हैं और ये फ्रोजन वाले कैसे लगते हैं। तो ये डब्बा आता है देखो, यहाँ पे क्या है, गोल्ड कंपनी का है और पंजाबी समोसे यहाँ पे लिख रहा है। तो इनको कंपेयर आज हम करने वाले कि कैसा टेस्ट आता है। और मैं आपको बता दूं यहाँ पे जो पीस है वो पता है कितने हैं, देखो यहाँ पे लिख रहा है, ये रहा नंबर ऑफ पीसेस 15 समोसे इसके अंदर निकलने वाले। अब साइज देखना समोसे का क्या रहेगा, और जो प्राइस है वो है भाई 165 रुपये। 165 है कितना है, हाँ 165 ही है भाई, 165। देखो यहाँ पे प्राइस है, डॉट डॉट में बड़ी दिक्कत होती है, क्लियर छापना चाहिए ना। तो देखते हैं 165 रुपये में अगर बिल्कुल सेम साइज के निकलते ना तो मैं कहूँगा कोई खराब डील नहीं है, बाकी बताएगा इसका टेस्ट। तो हमारे पास समोसे कौन से रहने वाले हैं, यही कंपेयर करते हैं कि ये समोसा अच्छा है या ये समोसा अच्छा है। तो पहले चटनी निकाल लेते हो, समोसा बिना चटनी के कैसे चलेगा। एक गाना भी आया था, कोई शालू वालू था कि जब तक रहेगा समोसे में आलू तब तक रहेगी मेरी शालू, ऐसा कुछ था, सुना है गाना। तो यहाँ पे ये जो समोसे हैं जो हम ले आते हैं दुकान से, ऐसे आते हैं पन्नी में और ऐसे इनकी चटनियाँ आती हैं। तो देखो 6 समोसे के साथ कितनी चटनी आई है। तो बात है इसकी बारी, इस वाले में देखते हैं क्या क्या समोसे निकलते हैं। येरा, ओहो अंदर पूरा भाई ट्रे जैसा कुछ निकला येरा। तो समोसे की जो हाइट और विड्थ है, जो साइज है समोसे का, वो काफी छोटा है 15, और वो सच में बहुत ही ज्यादा छोटा है अगर मैं आपको बताऊं। अरे यार ये क्या हुआ इनके साथ, अगर कंपेयर करूं तो ये देखो, ये समोसा है, ये पापा है और ये इसका बच्चा है। हेलो पापा, हेलो बच्चे, टुट टुट, ये गले मिल रहे हैं, बाप बेटा गले मिल रहे हैं यहाँ पे। तो ये बहुत छोटे समोसे हैं। और जो चटनी निकली है वो चटनी में मैं आपको दिखा देता हूँ, ये इसकी चटनी निकली है, एक ये रही। इसको क्या लिखा है, ये लिख रहा है भाई थॉ एट रूम टेम्परेचर। थॉ का मतलब मुझे पता नहीं क्या है, तो हम गूगल करके देख लेंगे। बाकी मुझे लग रहा है कि बस इसको ऐसे ही रख दो रूम टेम्परेचर पे, धीरे धीरे नॉर्मल हो जाएगी। अब इन समोसों का क्या करना है, ये जो ऐसे पड़े हैं ना गिले से हो रहे हैं, देखो हाथ पे पूरे पे ऐसे ऐसे आ गया, और ये एक्सपायर नहीं था, मैं डब्बे पे दिखा दूं, आपने जब देखा था ना तो बैक करके देख लो, वरना मैं देख के बताऊं इस पे क्या था भाई एक्सपायरी वगैरह। ये समोसा भाई 2/7/2023 तक चलेगा, बेस्ट बिफोर तब तक का, और जब बना है 2/1/2022 यानी जनवरी, इस साल जनवरी में समोसा बना था और अगले साल जुलाई तक चलेगा, 2023 जुलाई तक चलेगा, तो एक्सपायर तो नहीं है। तो इनको लेके जाते हैं और तलते हैं इनको। तो यार अपने समोसे जो है ना, छोटे छोटे समोसे तल के तैयार हो चुके हैं और सच में बहुत करारे हैं, आवाज सुन रहे हो। और अगर इसे डालूं, हाथ तेजा गिर रहा, ये ऐसे बच्चे बच्चे गिरते हैं, और ये जब गिरता है ना बड़ा समोसा ऐसे आ जाती है भारी सी, और ये गिरते हैं ऐसे लगते करारे करारे से। पर अब देखना इनका टेस्ट, और इनके ये जो चटनी थी ना, 3 चटनी निकली, समोसे बहुत ज्यादा थे, तो मैंने कंपैरिजन क्या करा, 6 समोसे बड़े थे तो 6 समोसे हम छोटे ले आए। अब देखते हैं, और ये रही सेम साइज की कटोरियां। तो अब आती है बारी इनको टेस्ट करने की। तो देखो चटनियां जो निकली हैं, इनमें निकली हैं 3 चटनी, एक ये लहसुन प्याज वाली चटनी है, टमाटर भी है थोड़ा सा, और ये ग्रीन चटनी और ये मीठी चटनी। समोसे का साइज आपने देख ही लिया, देख लो कंपेयर करके कि कैसा है समोसा। तो ये है फ्रोजन वाले समोसे, और ये है जो हम मार्केट से लेके आए, ये 10-10 रुपए के समोसे मिलते हैं, और ये वाले जो मिले हैं ये बहुत महंगे पड़े साइज के हिसाब से देखा जाए तो। 165 रुपए का डब्बा था और उसमें निकले हमारे 15 समोसे। अब देख लेते हैं टेस्ट, जो मेन चीज़ है देखो, अंदर से फीलिंग जो है जो नॉर्मल समोसा बाहर मिलता है उसकी ऐसी है, और इस वाले की देखें यार, इसकी भी कुछ सेम सी लग रही है मुझे, फीलिंग में ज़्यादा अंतर नहीं है, और स्मेल भी ठीक ठाक है यार, बल्कि इसकी स्मेल अच्छी आ रही है। अब देखते हैं क्या चीज़ है टेस्ट, अच्छा है, मीठी से भी खा के देख लें एक बार, नॉर्मल समोसे का जो टेस्ट हो रहा है
अब आते हो इस बारी इस वाले की। इसको पहले ग्रीन वाली जो चटनी है ये इसमें डिप करते हैं, देखते हैं। बड़े समोसे हैं यार, सच बता रहा हूँ, अच्छे समोसे हैं। मतलब इसमें आलू नहीं बताता ना। अब आ गया आलू, ये मीठी वाली चटनी, बढ़िया समोसे हैं सच में। ये रह गई लहसुन प्याज वाली, इससे भी टेस्ट कर लेते हैं। ये वाली चटनी मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगी, मीठी वाली चटनी जो है ना ये अच्छी है। मतलब मज़े ही आ गया। ये क्या थोड़े ठंडे हो चुके पहले आते, ये एकदम गर्म गर्म है तो ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। और ये करारे बहुत हैं। अब पता है आपको फ्रोज़न फूड क्यों करते हैं? फ्रोज़न फूड का राज ये है, जब भी खाना बनाया तो अगर उसको ऐसे ही रख देना, आपने भी देखा होगा खाना बचा हुआ रख दिया और उसको भारी छोड़ देना तो ख़राब हो जाता है, उसमें फूई लग जाती है, फंगस लग जाती है, क्या होता है उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है। जब खाने को ठंडा करते हो तो बहुत ज़्यादा क्रायोजेनिक चले जाते हैं, मतलब इतना ठंडा कर देते हैं जो उसमें बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना उनकी ग्रोथ नहीं हो पाती। इतनी ठंड में जाके कुछ भी ग्रो नहीं होता, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है, जो बैक्टीरिया नहीं आता, इसलिए खाना जो है वो ख़राब नहीं होता। तो इसलिए फ्रीज करके जब ये बनते हैं ना तो इनको हल्का सा तल के तुरंत बाहर निकाल के तुरंत फ्रीज कर देते हैं कि आप घर में लाओ तलो और खा लो। तो मैं यहाँ पे बोलूँगा बुरी डील नहीं है। देखो यहाँ पे आपको तेल गर्म करना पड़ता है इनके लिए, लाओ तेल लाओ कढ़ाई में गर्म करो फिर तलो। और ये जो है बाजार के जो अपनी दुकान पे मिलते हैं कहीं भी गली मोहल्ले में, आपके यहाँ पे भी मिलते होंगे गली पे बाहर गए, और मैं कह रहा हूँ समोसा तो हर गली में मिलता है, तो समोसे जो घर के आसपास मिलते हैं ये बहुत अच्छे समोसे, दो समोसे में पेट भर जाता है। और ये वाले जो है ये भी अच्छे हैं, अगर आपका मन करे तो आप जो मर्जी वो चूज़ कर सकते हैं, बट ये तो मुझे ज़्यादा हेल्दी लगता है कि फ्रोज़न है या जो भी है, तो मैं इसको प्रेफर करूँगा। और अगर नहीं मिल रहा तो मैं इसको भी खा लूँगा, ऐसी कोई बात नहीं, ये अच्छा है खराब बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पे जो दोनों समोसे ना बहुत टेस्टी है। तो अभी आपके ऊपर है कि आपको कौन सा समोसा खाना, तो मुझे जल्दी से कमेंट में बता दो कि आप कौन सा समोसा खाना पसंद करोगे। ये वाले जो मेरे भी फेवरेट है, मुझे बहुत पसंद है जो गलियों में मिलते हैं, या फिर ये पैकेट वाले जो थोड़े से महंगे पड़ते हैं पर करारे हैं, घर पे आपको कुछ ना कुछ करने के लिए मिलता है, तो आप कौन से खाओगे मुझे कमेंट करके बताना, ये बड़े वाले या फिर ये पैक फ्रोजन छोटे वाले। तो हम मिलेंगे आपसे दोबारा नए वीडियो में, कुछ नया करते हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, सब्सक्राइब तो कर ही दिया होगा, नीचे आ रहा है सब्सक्राइब को वहां पे क्लिक कर दो अगर अभी तक नहीं करा दो। और हम मिलेंगे दोबारा नई वीडियो में कुछ नया करते हुए, तब तक के लिए जय हिंद।